हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। आज आपको मैं होलिका दहन के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, होलिका दहन आज 7 मार्च 2023 में 6 बजे से 8 बजे, 8:30 बजे तक। आप सोचिए, 8 बजे तक आप संपन्न कर लीजिए पूजा पाठ, 8:30 बजे तक पूरा समय है उसको होलिका दहन का, जिसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप उसको धूप दीप जल अर्पित कर सकते हैं अग्निदेव को। तो इस तरह करके आज का समय है। दूसरा है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। होलिका दहन का पौराणिक कथा है कि राक्षस जो है, एक राक्षस थे जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था। तो वो, उनको वरदान मिला हुआ था कि वो अमर रहेंगे, अजर अमर रहेंगे। इसीलिए उनमें इतना अहंकार आ गया कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे और अपने पुत्र प्रहलाद को भी बोलते थे कि मुझे, मैं ही भगवान हूँ और किसी का तुम आराधना नहीं करो, पूजा मत करो। बट लेकिन उसके पुत्र जो थे प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के भक्त थे। वो, उसने नहीं माना। वो बोला, नहीं पिताजी, भगवान विष्णु भगवान है, आप भगवान नहीं हैं। लेकिन वो मानता नहीं था। इस कारण से अपने पुत्र को सजा देने के लिए, उसको परेशान करने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को भी वरदान था कि आग उसको जला नहीं सकती है, इसलिए प्रहलाद को गोद में डाल के वो आग के बीच में होलिका को बिठा दिया। बट भगवान विष्णु के कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद को बाल बांका नहीं हुआ। इसी उपलक्ष में होलिका दहन मनाया जाता है कि बुराइयों में अच्छाई की जीत हुई। तो इस तरह होलिका दहन में चौराहे पे या मंदिर के पास, हर जगह जो आसपास के नेबरहुड हैं, जो आसपास के सभी आदमी हैं, सब होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। कंडे लकड़ियाँ आसपास जमा करके उसमें आग लगाया जाता है और वहाँ उसमें फिर आसपास की औरतें या आदमी धूप दीप अक्षत फूल सभी का अर्पण करते हैं अग्निदेव को। और गेहूं की जो कच्ची बालियां है उसको भी अर्पण करते हैं और प्रसाद स्वरूप में बाद में उसको पकने के बाद आग में सभी आपस में वितरण करते हैं और अग्निदेव का सभी परिक्रमा करते हैं और अपने घर परिवार के लिए सुख शांति का कामना करते हैं और अपने घर की सुख समृद्धि का के लिए अग्निदेव, भगवान अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह करके सभी होलिका दहन मनाया जाता है, सभी मनाते हैं और इसमें बुराई में अच्छाई की जीत होती है, घर में सुख समृद्धि आता है और कष्ट रोग दुख नहीं आता है। तो इसके लिए कि पूरा परिवार खुश रहे, खुशहाली हो रहे परिवार में आए, इस तरह करके सभी स्त्रियां, सभी आदमी, सभी मिलके एकत्रित होके अग्नि के परिक्रमा लगा के पूजा पाठ करके, चक्कर लगा के पूजा पाठ करके प्रार्थना करते हैं। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।